हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि अपने बर्ड्स को सर्दियों में शॉर्ट फूड कैसे देना है। वो ताकतवर शॉर्ट फूड जो अपने बर्ड को पूरी तरीके से ताकतवर बनाता है और आपके बर्ड जो है बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, जो चिक्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो शॉर्ट फूड में कुछ ऐसे सीड्स हैं जो आपको मिक्स करके देने हैं। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो ब्रीडिंग सीज़न की वजह से हमें शॉर्ट फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने बर्ड्स के लिए। बर्ड ब्रीड पर आता है तो उसको ताकत की ज़रूरत होती है, विटामिन की, कैल्शियम की, तो वो हमारे सॉफ्ट फूड के ज़रिए बर्ड को मिलता है। जो अंडे देते हैं, अंडों में कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती है, उससे सॉफ्ट फूड के ज़रिए पूरी हो जाती है और जब बच्चे निकलते हैं तो वो हेल्दी पैदा होते हैं वो सॉफ्ट फूड अगर बर्ड खाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ सीड्स रखे हैं, तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप कि ये कुछ 5-6 तरीके के सीड्स रखे हैं। तो बेसिक में क्या क्या मिक्स करना है मैं आपको बताता चलूं। तो ये देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, जो बेसिक है वो गेहूं है, वीट। जो गेहूं जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट फूड में। गेहूं की तासीर गर्म है और ठंडी भी है। और फिर आप आ जाते हैं ये काले चने। काले चने दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट फूड में। अगर आपके पास लबर्ड हैं, कॉकटेल हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काला चना। ठीक है, ये आप काला चना देंगे। बजीज हैं, बजीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। बजीज के लिए थोड़ा बहुत मिक्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये है हरी मूंग की दाल, ये जो हरी साबुत मूंग होती है, इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है और काफ़ी तरह के इसके अंदर विटामिन हैं, तो ये लेना है। और ये आप देख सकते हैं, ये है देसी मक्का। मक्का आपको अब कच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन हमें सॉफ्ट फूड में मिलाने के लिए देसी मक्का लेनी है, जो चक्की पर मिलती है, जो ये बकरे वगैरह खाते हैं उनके लिए रखते हैं। पॉपकॉर्न वाली नहीं लेनी है आपको, पॉपकॉर्न वाली बहुत हार्ड हो जाती है, वो भीग नहीं पाती। ठीक है, अब ये लेना है आपको सोयाबीन। ये सोयाबीन के दाने हैं। ये सोयाबीन के अंदर 100% प्रोटीन होता है, जो बर्ड की हेल्थ बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए मदद करता है। और ये है हमारा रमास, ये भी आप मिक्स करेंगे, ये भी सीड्स है, काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। फिर है ये वाला, ये आप देखेंगे, ये कटा हुआ गेहूँ। तो जैसे ये साबुत गेहूँ है, ये कुटा हुआ गेहूँ है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद है। ये आपका रह गया है थोड़ा सा बाजरा। बाजरा हम क्यों मिलाएंगे वो मैं बताऊंगा, किस में मिलाना है बाजरा। हमें सॉफ्ट फूड में बहुत थोड़ा सा लेना है और हमें सीड मिक्स के अंदर मिक्स करना है बाजरा सर्दी में। तो ये विंटर में है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह के सीड्स हो गए जो हमें मिक्स करने हैं, और बाजरा हम सीड्स में मिलाएंगे। तो ये गेहूं दोस्तों हम मिलाएंगे, देखिए अब मिक्स करेंगे। ये 2 kg हमें गेहूं लेना है। आधा किलो हमने लिए हरी मूंग की दाल, और इसमें हमने आधा किलो लिया है काला चना, और इसमें हमने 250 ग्राम लिया है ये सोयाबीन के दाने। 1 किलो लिया है हमने ये मक्का, लेकिन हम इसमें अंदर आधा किलो मिलाएंगे। हमें क्वांटिटी रेशियो देखना है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, हमने छोड़ दिया इसको। आधा किलो हम लेंगे, हमने लिया है रमाक आधा किलो। फिर आधा किलो लेते हैं हम कटा हुआ गेहूँ, और थोड़ा सा हम इसमें बाजरा मिला लेंगे, बहुत थोड़ा सा, बस इतना हमें बाजरा लेना है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये सर्दी की बहुत ज़्यादा बेस्ट शॉर्ट फूड है, जो आपको बर्ड को हमेशा हेल्दी रखेगा। और साइज जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, देखिए हमने मक्का बिल्कुल ठीक मिलाई थी, हमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी आनी चाहिए। तो मक्का हमने रोक ली है, 1 किलो में से हमने सिर्फ आधा किलो मिलाई है। और दोस्तों एक ऐसा डिब्बा ले लेना है आपको, और उसमें बना के आप इसके अंदर रख लीजिए सॉफ्ट फूड बनाकर, और डेली आपको थोड़ा सा लेना है और रात में भिगोना है, वो मैं बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि मैंने एक डिब्बे में भर के रख लिया है सॉफ्ट फूड को, उसके बर्ड्स कितने हैं, लव बर्ड हैं, बजीज हैं, कोई भी बर्ड है, कॉकटेल है, ये कॉकटेल के लिए भी है
और आपके कनूर के लिए भी है और आपके बजीज के लिए, सारे बर्ड्स के लिए। लेकिन कॉकटेल से अगर ऊपर जाएंगे तो उनके लिए अलग थोड़ा सा सॉफ्ट फूड और बनाना पड़ता है। आप फिंचेस वगैरह को नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मोटे सीड्स हैं, ये नहीं खा सकते। अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आपको इतनी एक मुट्ठी प्याले में दाना भिगो दीजिए रात में, और भिगोने के बाद आपको सुबह जब आप निकालेंगे पानी उसका खुश करके और अच्छे से उसको साफ़ करके, जैसे ये देख सकते हैं आप, मैं इसको धो रहा हूँ, और ये भिगोने के बाद आप अपने बर्ड को सर्व करेंगे। और जैसे कुछ बर्ड ऐसे होते हैं कि जैसे देख सकते हैं कि ये काला चना है और मक्का है, ये मोटे सीड नहीं उठाते हैं सॉफ्ट फूड में बर्ड, ख़ास तौर से बजीज, और ये सोयाबीन का दाना। तो आपको मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करना है, मिक्स करके जब आप इसको मिक्सचर बना दें तब आप अपने बर्ड को सर्व करें, तो देखिएगा 100% वो बर्ड खाएगा, सारा चीज़ खा लेगा वो। तो इस तरह से आपको बर्ड को खिलाना है दूसरे तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को कैसे देना चाहिए, और ये हेल्दी फूड जो मैंने बताया है बिल्कुल लाजमी दें और आपके बर्ड इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। और तो ये विंटर के लिए मैंने आपको बताया अच्छा सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड को कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और इसी तरह से अगर आप अच्छे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।